हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मॉम्स यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों के बाद मेरी मम्मी के चैनल पर एक रेसिपी का व्लॉग जा रहा है जो कि मेरे द्वारा डबिंग किया गया है, क्योंकि मेरी मम्मी अभी बहुत काम में बिजी है और उनको टाइम नहीं मिला डबिंग करने का। वीडियो तो बना दी लेकिन डबिंग नहीं कर पाई, तो मैं सोची कि मुझको वैसे आता तो है नहीं, पता भी नहीं है रेसिपी कैसे बनता है, लेकिन मैं देख के जरूर डबिंग कर दूंगी, तो मैं कर रही हूँ। तो सुबह का मौसम ठंडी का है और मम्मी गर्म गर्म पराठा बना रही है, मतलब बनाने की तैयारी कर रही है। तो ये मम्मी मसाला बनाने के लिए मिक्सी में बहुत सारा जो भी इंग्रेडिएंट्स डालना होता है वो डाल दी, जो आप देख लेना। और इसके बाद इधर मटर भी फुला दी आलू का चोखा बनाने के लिए, और इसे भी मिक्सी में डाल के मम्मी पीस लेगी। तो मम्मी ने पीस लिया ये, और कढ़ाई चढ़ाया, उसमें तेल और दो तीन मसाला डाला है, फिर प्याज डाला, उसके बाद उसे थोड़ा भून लिया, उसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया, उसके बाद हल्दी डाला और थोड़ा सा चलाया, उसके बाद मटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, और यहाँ पे कुछ आलू उबाल के रखे थे उसे भी मैश कर दिया, उसमें थोड़ा नमक मिला दिया एंड उसे भी इस मिक्सचर में मिलाकर थोड़ी देर के लिए गैस पर चढ़ा के चलाती रही मम्मी। और थोड़ी देर बाद ये चोखा बन के रेडी हो जाएगा, जो हम जो आटा सानेंगे उसमें भर के उसे बनाएंगे आलू का पराठा। और यहाँ पे मम्मी चटनी बनाने के लिए मतलब बना दी टमाटर और धनिया पत्ती का चटनी। उसके बाद मम्मी ने आटा साना और ये थोड़ा सा एक लोइया मम्मी ने लिया और उसे इस तरह से फैला दिया। उसके बाद इसमें मम्मी अंदर में स्टफिंग करेगी, तो थोड़ा सा आलू का जो मम्मी ने स्टफ बनाया था उसे भरा और उसे इस तरह से मम्मी ने मतलब मम्मी गोल कर दी है। उसके बाद इसे हल्के हाथों से बेलेगी, नहीं तो फट जाता है आलू का पराठा, फिर फट जाने से वो तो फट ही गया, उसके बाद वो बनेगा भी नहीं, इसलिए हल्के हाथों से इसे बेलना होता है। और बेल के मम्मी ने तवे पर चढ़ाया, तो और इसे थोड़ी देर तक सेकेगी, फिर बटर लगा के दोनों तरफ से बटर लगा के सेक देगी तो बन जाएगा। और फिर अगर आपका आलू का पराठा फूलता है तो आपको मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपका अच्छा बना, और बहुत ही अच्छा लगता है ठंडी के मौसम में खाने आलू का पराठा। और हमारे घर में तो हम मतलब दो बच्चे हैं तो हमें बहुत ही पसंद है, मतलब हमें हमारे पूरे परिवार को ही पसंद है ठंडी में आलू के पराठे मतलब खाना। पहले तो हम लोग चूल्हा में बनाते थे, जब हम लोग छोटे थे तो चूल्हा में चढ़ा देते थे, मम्मी बनाती थी और हम लोग ठंडी में आग भी तापते थे और खाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। अभी मम्मी सुबह है इसलिए बना रही है, रात के समय भी बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी अभी बटर डाल के सेक रही है, दोनों तरफ से सेकेगी, फिर उसके बाद बन जाएगा। और इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, एक बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़े जब बन जाते तब हम लोग खाते, नहीं तो एक ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरा बनने में टाइम लगता है, इसलिए दो तीन बना के ही हम लोग खाते हैं। तो यही इसका रेसिपी है जो कि मेरी मम्मी ने आज सुबह बनाया था, और मम्मी बिजी है इसलिए डबिंग मैं कर दे रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और देखते रहिए मेरी मम्मी का चैनल। तो ये एक पराठा तैयार हो गया और मैं अभी जा रही हूँ, मतलब मैं उस समय गई थी खाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बाय बाय। We'll be right back.
तो फ्रेंड्स, काम हो गया आज के कंप्लीट और दोपहर का भी खाना भी मैंने बना लिया है। बस अब रेस्ट करना है और बच्चे लोग तो घर में ही हैं, खाएंगे थोड़ी देर बाद खाना। तो ठंडी का मौसम है, फिर कहीं जाना आना भी नहीं, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा बस, और छुट्टियां भी नहीं है, नहीं तो हम लोग कहीं जाते आते। अभी तो हम लोग घर में ही बोर हो रहे हैं फिलहाल। तो यही है मेरी डेली की रूटीन। और दोपहर का खाना जैसे कि मैं बताया, खाया गया नहीं है लेकिन बन गया है, तो हम लोग अभी खाएंगे। फिर मैं मिलूंगी आप लोग से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।